हेलो फैम, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स रिलेटेड एम्बेसी के लिए। क्या आप पोलैंड एम्बेसी में जा करके, अदर कंट्री से जा करके, दूसरी कंट्री में जाके अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो या नहीं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे, जो लोग पूछना चाह रहे थे कि भाई हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या हमें जिस कंट्री में हमें जहाँ से हमने अप्लाई किया है, क्या हमें वहीं से ये अपना जो है वो फाइल वहीं पर ही एम्बेसी में सबमिट करनी पड़ेगी, या फिर हम दूसरी कंट्री में जा करके वहाँ जा करके भी अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। सो प्लीज़ जो लोग नए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का बटन दबा दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों की आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए हुए बिना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोलैंड में अभी 3 दिन से रेगुलर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और वेदर 7 से 8 डिग्री तक हो गया है। बहुत ठंड हो रही है, आप अभी भी देख सकते हो। मैं आपको अपने बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ कि अभी घटा हो रही है और सारी रात से बारिश हो रही थी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले रुकी है। और मैं बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब सुन्न चढ़ रहा है, एक तरीके से हाथ भी सुन्न हो रहे हैं। तो यही कहना था, जो लोग पोलैंड आने वाले हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ वो ठंड से बचने के लिए अपने सारे कपड़े लेकर के आएँ, गर्म कपड़े लेकर के आएँ और जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी साथ में लेकर के आएँ, ताकि आप लोग ठंड से बचे रहें और जो भी आपको डेली यूजेज में आने वाली चीज़ें हैं बेसिकली वो लेकर के आएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि सपोज़ आपने सऊदी अरब, दुबई, अरब कंट्री से अप्लाई किया वहाँ की एजेंसी के थ्रू और आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो क्या आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने पेपर? या अगर आपके वहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, तो क्या आप दूसरी कंट्री में जा कर के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? जी, तो बस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। जी हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं और आपने सपोज़ दुबई से अप्लाई किया है, ठीक है, और आप वहाँ पे वेट कर रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, 5-6 महीने हो गए आप वेट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि अब हर जगह ड्रॉ सिस्टम हो गया, तो ड्रॉ सिस्टम में क्या हो गया कि अपॉइंटमेंट तो मिलेगी लेकिन लेट मिलेगी, किसी को जल्दी भी मिल सकती है, किसी को देर से भी मिल सकती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहते या किसी वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो आप इंडिया जा करके या दूसरी कंट्री में जा करके अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो। पहले आपको वहाँ पर एम्बेसी से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी डॉ सिस्टम के थ्रू, जब आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ से मिल जाएगी फिर जा करके आप डायरेक्टली अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और अपने जो भी आपके ज़रूरत के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ ले करके जाने और सबमिट करने। सबसे पहले डॉ सिस्टम में क्या होगा कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, अपना वर्क परमिट, पासपोर्ट और मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर मेल करना पड़ेगा, फिर एम्बेसी वेरीफाई करेगी आपका वर्क परमिट जेन्युइन है नहीं। अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन है तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, अगर आपका वर्क परमिट जेन्युइन नहीं होगा तो एम्बेसी आपको मेल कर देगी कि आपका जो वर्क परमिट है या डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सीन होता है। अगर आप लोग दुबई से, सऊदीया से इंडिया जा करके अपनी फाइल सबमिट करना चाहते हैं तो आप जाके कर सकते हैं, और अगर आप इंडिया से सऊदी दुबई जा करके अपनी फाइल सबमिट करना चाहते हैं तो आप वहाँ जा करके भी अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। तो बस यही आपको बताना था, समझाना था। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइज। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहो माय यूट्यूब चैनल हुमायूं मिर्ज़ा व्लॉग, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।